हेलो दोस्तों, तो आज है 9th November 2023। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 AM अभी हो रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हमारे महिंद्रा थार में द ग्रेट साउथ इंडिया ट्रिप पे। तो सब कुछ पैक हो गया, सब कुछ लॉक हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जर्नी। चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इधर से तो हम लोगों का ये 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ट्रिप होगा। तो गाड़ी भी पूरा पैक हो चुका है, दिखा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए पूरा पीछे सामान, हर तरफ सामान भर दिया, गाड़ी पूरा रेडी। तो चलिए हमारा जर्नी को शुरू करते हैं। हम बांकुड़ा वेस्ट बंगाल से 3 AM में निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक, कहां तक पहुंचते हैं। तो अभी तो हमारा फर्स्ट स्टॉप हम टारगेट करे हैं भुवनेश्वर, क्योंकि हमारा आईफोन का बैटरी ख़त्म हो गया है, बैटरी रिप्लेस करवाना है। तो उधर हम लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो उधर पहले भुवनेश्वर में जाके पहले आईफोन का बैटरी रिप्लेस होगा, फिर से ट्रिप कंटिन्यू होगा। तो चलिए वो टारगेट करके हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। अभी बज रहे 5 AM हो गया। अभी हम लोग बेल पहाड़ी घुसने वाले हैं। बेल पहाड़ी क्रॉस करके हम लोग चाकुलिया होके निकल जाएंगे सीधा। रोड का सीनारी तो अभी बहुत ही बढ़िया है। अभी हम लोग चाकुलिया क्रॉस कर गए। बोहड़ा घोड़ा हम अभी इधर से लगभग 20 किलोमीटर है, फिर उसके बाद बोहड़ा घोड़ा से हम लोग नेशनल हाईवे पकड़ लेंगे। तो अभी टी ब्रेक के लिए रुके हैं। ये देखिए चाय घर से ही बना के लाए थे फ्लास्क में, तो डाल लिए। अभी चाय पियेंगे, फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। भुवनेश्वर अभी भी 100 किलोमीटर है, पर हमारा ये थोड़ा एक टोल गेट में थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया। और ये टोल का जो डंडा रहता है वो इधर गिर गया, फिर उधर से थोड़ा मतलब अभी तो लग रहा है कि हमारा गाड़ी का पेंट नहीं उतरा, वो टोल का ही जो डंडा था उसका ही पेंट हमारे गाड़ी में लग गया। तो अभी ये बाद में जाके स्क्रैच रिमूवर से देखना पड़ेगा क्या होता है। और इधर ये पिलर में इधर थोड़ा हल्का सा एक हल्का बेंड आया, तो हम अब कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर वो भी देखेंगे अगर कुछ ऑप्शन रहेगा तो। तो ये थोड़ा इसीलिए थोड़ा मूड ख़राब हो गया, इसीलिए अभी थोड़ा रुके हैं। ये टोल गेट में मतलब वो उठा फिर अचानक से गिर गया गाड़ी के ऊपर ही। तो चलिए क्या कर सकते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सब
अभी भुवनेश्वर 73 किलोमीटर है, अभी बज रहा है 10:39, हमारा एस्टिमेटेड अराइवल दिखा रहा है 12:05 को। तो अभी तो रोड बहुत बढ़िया है, पर स्पीड कैमरा लगा हुआ है, ये 80 स्पीड लिमिट है, तो इसीलिए 80 में ही चलाना पड़ रहा है। तो रोड तो अच्छा ही है। आईफोन का बैटरी रिप्लेस करके बहुत टाइम लग गया, अभी लगभग 5:30 बज गया, तो अभी भुवनेश्वर से निकले हैं। अभी विशाखापट्टनम है 441 किलोमीटर। भुवनेश्वर के अंदर बहुत ट्रैफिक भी था और हम बीच में, वो 3-4 घंटा लगेगा, इसीलिए हम बीच में एक बार डिटेलिंग डेविल्स भी गए थे, वो स्क्रैच अगर रिमूव हो सके वो देखने के लिए, पर वो तो अभी मतलब बोल रहा है कि अगर वो अभी पॉलिश करेंगे तो उसका तो लेयर थिन हो जाएगा, तो इसीलिए अभी उसको करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए वो कुछ अभी नहीं करवाए, फिर आईफोन को कलेक्ट करके निकल गए। अभी भुवनेश्वर से 120-130 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर लिए, चिल्का लेक के आसपास, चिल्का लेक भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, फिर इधर हम लोग ये एक बंद मतलब हो ये एक दुकान के सामने हम गाड़ी पार्क कर दिए और आगे टेंट भी लगा लिए। ये दुकान वाला था, दुकान वाले से परमिशन लेके उनके सामने उन्होंने दुकान बंद किया, फिर हम लोगों ने ये टेंट लगा दिया। देखिए टेंट बहुत, अभी तो ये हमारा फर्स्ट टाइम टेंट में रहना है, तो एक्सपीरियंस तो देखते हैं कैसा जाता है। अंदर एयर बेड इन्फ्लेटेबल मैट्रेस भी लगा दिया, ये देखिए अंदर पूरा सेट है, दिखा देते हैं, ये देखिए कार भी इधर पार्क है, ऐसे टेंट। पहले हम लोग सोच रहे थे कि इधर लगाए, फिर वो दुकान वाले से परमिशन लिया तो उन्होंने बोला नहीं इधर ही आप लगा सकते हैं, फिर इधर ही लगा दिए, गाड़ी भी थोड़ा सेट के अंदर आ गया। अभी आपको दिखाते हैं कितना वो डैमेज हुआ था टोल में, ये देखिए इधर हल्का सा स्क्रैच आया, इधर आया, पर ये लग रहा है उतर जाएगा, थोड़ा पॉलिश से स्क्रैच रिमूवर से उतर जाएगा। वो डंडा का ही पेंट हमारे गाड़ी पे लगा है, गाड़ी का पेंट लगता है नहीं छूटा है, पर इधर हल्का सा एक डेंट आया, ठीक है और क्या ही कर सकते हैं। चलिए हम अभी सो जाते हैं इधर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारा नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।